रास्ता करके, लेकिन चौड़े बाजार का काम नहीं होता। जानते क्यों नहीं होता? क्योंकि इस बाजार में जो लोग हैं, बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, लेकिन उनका वोट नहीं है इस एरिया के कौशल लोगों को, इसलिए ट्रॉप रेक्ट है। हमारा ये कसूर है भाई, बताइए ना सर, आप बताइए ना, क्या ये हमारा कसूर है? अरे आप बोलिए, हमारी वोट यहाँ नहीं है। देख लीजिए का हाल देख लीजिए, मेरे को तो बैठने दो, बाद में आपका लेके आऊँ भाई। मेरे हर बात पर तू लेकर सामने भैया भी खड़े हैं सुहाग सिल्क एंड साड़ी, हम उनका भी जाके व्यूज लेंगे कि कब से ये हाथ ऐसा झेल रहे हैं। हमारा डक, हमारा भैंसिया, हमारी भैंसिया, एक घंटा बारिश पड़े तो यही नजारा होता है, ये नहीं होता कैसे नहीं होता है? कितने सालों से मेरी उम्र भी इतनी ऐसी होता है, वो देख रहा हूँ भाई, इसी हिसाब से उम्र ही कहते हैं, क्या करें भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारी कश्ती आगे घंटा आगे चलते भाई। अब ये बताओ स्मार्ट सिटी किस एरिया को बनाने की जरूरत थी? जब कोई भी लुधियाना शहर का नाम आता है ना, तो सबसे पहले लोगों लगाते हैं घंटा घर की, किसकी लगाते हैं? घंटा घर की। लेकिन घंटा घर चौड़ा बाजार आज पानी में डूबा हुआ है, यहाँ कश्तियां चल रही है, बुरा हाल है भाई। हम जाके कपूर शर्मा को क्या बताएंगे, ओ माय गॉड, हम बंबई में क्या बताएंगे, हम दूसरे सारा स्टेटों को क्या बताएंगे? थोड़ा आगे हम हेलो सर, कैसे हैं? सर चौड़ा बाजार, सर सबसे बड़ा बाजार, सर लुधियाना का सबसे बड़ा बाजार, सर सबसे बड़ा बाजार। आज कौन कहता है कि हमको पिछले 20 सालों से सरकार चाहे कोई भी हो, उसने हमको लुधियाना वालों को कुछ नहीं दिया? ये दिया ना, ये कर्ज भी दी। कश्मीर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं आइए, वोटिंग का मजा लीजिए। हमारा फैसला ले रही है, हमारा फैसला भी मजा ले रही है। आइए ना भैया चौड़ा।